व्यक्ति के चलते आपको गिरफ्तारी हुई थी, तब से लेके क्या सुधार है आपके जीवन? सर जीवन में तो ऐसा है कि अब लोकप्रियता हो गई है मेरी, लोग मुझे पहचानने लगे हैं और सामान खरीदते समय कोई बार्गेन भी नहीं करते हैं। लेकिन जिस हिसाब से मुझे जेल हुई थी कि मेरे पास बेचने का लाइसेंस नहीं है, 2019 में भी मीडिया को मैंने इंटरव्यू में कहा था कि सरकार हमें वैध करने की कोशिश करे। और क्या है अभी सर, भ्रष्टाचार मैं बोल नहीं सकता कि कौन कर रहा है, किसी को मैं टारगेट नहीं कर रहा हूँ इसमें, लेकिन भ्रष्टाचार के खिलाफ अगर सरकार काम कर रही है तो हमें लीगल करें, 3-4 हज़ार रुपये महीने का एक हमारे जैसे बेचने वाले गवर्नमेंट के खाते में दे सकते हैं और इससे हमारा देश भी मजबूत होता है। आज हमें लीगल कर दे तो बहुत अच्छा है सर। बहुत अभी किस तरह से परेशानी होती है आपको सामान बेचने में? अभी हम ट्रेन में आते हैं तो हमें सिविल ड्रेस में आते हैं पुलिस वाले और कहते हैं कि चलिए भाई लेके आते हैं हमें पुलिस स्टेशन में, हमसे एक रसीद भी बनवाते हैं रेलवे का, फिर उसके बाद हमारे ऊपर चार्जशीट भी बनाते हैं, फिर हमें पूरा दिन बैठा के रखते हैं, रात भी बैठा के रखते, नहीं छोड़ते जब तक कोई जमानत वाला नहीं आए, फिर दूसरे दिन जज के सामने लेके जाते हैं तो जज साहब हमें लगभग 25 से 3 हज़ार तक फाइन बोलते हैं, तो लगभग मेरा 2 दिन का काम भी नुकसान होता है और हमें 5-6 हज़ार रुपये का लॉस भी होता है। और सर आप एक हम कमाने वाले, हमारे पीछे 8 जन खाने वाले, आज ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके घर में कोई ना कोई बीमारी से ग्रस्त ना हो, जो दवा खाने से परेशान है। सरकार से क्या मिला? सरकार से बस मैं यही 2019 से ही करते आ रहा हूँ, मुझे तो लगता है सरकार जब चुनाव आता है तो ही गरीब गरीब करती है और जीतने के बाद शायद कोई नहीं सुनते हैं साहब, लेकिन आज चुनाव भी है गुजरात का, 2024 में पूरे देश का है, तो मैं यही अपील करूँगा कि हमारे जैसे जो ट्रेन में या स्टेशनों पर काम करने वाले या बाहर रेडी पटरी पर काम करने वाले हैं, प्लीज़ उनके साथ जो अत्याचार हो रहा है, उनसे नाजायज पैसा वसूला जा रहा है, उन पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। सरकार को लेना ही है तो डायरेक्टली हमसे ले, इनडायरेक्टली मत ले, क्योंकि हम जज को देते हैं तो सुना हूँ कि वो भी गवर्नमेंट के खाते में ही जाता है, तो इनडायरेक्टली लेके हमारा 2 दिन नुकसान कर रहे हैं साहब, और तो डायरेक्ट हमसे सरकार ले ले तो अच्छा रहेगा, हमें भी गर्व होगा कि भाई हाँ हम सरकार को अपने मदद कर रहे हैं, हम मजदूर मरेंगे चलेगा, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारा राष्ट्र मजबूत हो जाना चाहिए, तो उस पर अभी कोविड में भी बहुत बच्चे अनाथ हो गए, तो इसी बहाने हम 150 से 200 लोग हैं जो बड़ौदा से लेके मुंबई के बीच में ट्रेनों में फेरी करते हैं, स्टेशनों पे काम करते हैं, और हमें इस मुद्दे में भी पकड़ लेंगे कि वो देखो गाड़ी में चोरी हो गई। सर इतिहास उठा के देख लो आप, या आप लोग खुद जानते हैं कि कभी भी मेहनत करने वाला चोरी नहीं करता है और चोरी करने वाला कभी मेहनत करके नहीं खा सकता है, उल्टा हम लोग ट्रेन में रहते हैं दिन रात काम करते हैं तो चोर उचक्के भी आने से डरते हैं कि पैसेंजर तो नहीं फेरी वाला देख लेगा। तो प्लीज़ सर हमें मोदी जी प्लीज़ आपसे हाथ जोड़ के विनती है, आज 2019 से ही मैं आपसे हर एक इंटरव्यू में या आपके जितने भी नीचे स्तर के नेता लोग मैं मिला हूँ उनसे एक ही बात कहा हूँ कि प्लीज़ हम गरीबों पे ध्यान दिया जाए, खाली चुनाव के टाइम पे ही गरीब गरीब मत करो, तो प्लीज़ आपसे हाथ जोड़ के